माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा समीर बाबू जी, गोपाल चंद्र राय जी एक्सपीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे प्रिय दिलजीत सिन्हा जी एक्सपीसीसी प्रेसिडेंट मिनिस्टर, शुभम भौमिक जो वापस आ चुके हैं कांग्रेस के परिवार में, प्रकाश बाबू जी महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारे इंचार्ज भूपेन गोड़ा जी, ऑब्जर्वर राजेश जोशी जी महिला कांग्रेस इंचार्ज किम जी, लक्ष्मीनाथ जी तापोजी जी और हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और वाइस प्रेसिडेंट पीयूष विश्वास जी, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार कुमुलम में आए हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी को आप ताली देकर नमन कीजिए और जोर से। आज राहुल जी यहां आए हैं और राहुल जी के शब्द से हम सुनना चाहते हैं कि त्रिपुरा में आने वाले दिन में क्या होगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस वापस 2019 में दिल्ली में आएगी और इससे ज्यादा ताली आप तब दीजिए जब 2019 में ही त्रिपुरा में कांग्रेस वापस आएगी। देखो हम लोग सच बोलते हैं, यहां में एक सरकार है जो झूठ पे झूठ बोलता है। हमने झूठ के आधार में राजनीति नहीं की है। यहां में राहुल जी कुमुलम में आए हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक मैसेज है। यहां में मोदी जी आते हैं अगरतला जाते हैं, लेकिन यहां में आकर एक मैसेज दिया है राहुल जी ने कि पूरा त्रिपुरा कांग्रेस के साथ है और राहुल गांधी पूरा त्रिपुरा के साथ है। यहां में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं 2-3 शब्द बोलकर, क्योंकि इसके बाद राहुल जी बोलेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका विरोध कोई आंचलिक पार्टी ने नहीं किया, ये बीजेपी की सरकार ने नहीं की। राज्यसभा में कांग्रेस से डरकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राहुल गांधी और कांग्रेस ने रोका है। और राहुल जी ने एक बात और कहा है, अगर कांग्रेस और जरूर कांग्रेस जब 2019 में आएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को खारिज कर फेंक देगी। ये राहुल गांधी का कमिटमेंट है त्रिपुरा को। फॉरेस्ट बिल हो, शिक्षा हो, पर्पोरक हो इन लैटिन स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो सबको राहुल गांधी आज बोलेंगे। आज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है हमारा टेरिटोरियल काउंसिल का, राहुल गांधी जी ने हमको आश्वासन दिया है, लिख के आश्वासन दिया है, कागज में लिख के बोला है कि यहां में डायरेक्ट फंडिंग और अटोनमी अटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टेरिटोरियल काउंसिल में होगा। आप लोग समझ लो, प्राइम मिनिस्टर आता है और हमको भाषण देकर चला जाता है, एयरपोर्ट के नाम में हमको भावुक करता है, लेकिन यहां में बेरोजगारी
पान बेचने से नहीं होगा, गाय रखकर दूध बेचने से नहीं होगा। आपका वादा कहाँ गया जो स्मार्टफोन था? आपका वादा कहाँ गया जो हमारे बेरोजगार यूथ को, युवा को नौकरी देने का वो वादा कहाँ गया? आपने झूठ बोलकर हमें वोट दिलवाया, सीपीएम को हटाया, बहुत अच्छा है, लेकिन झूठ से सरकार, झूठ से राजनीति और झूठ से आप त्रिपुरा को नहीं चला सकते हो। नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वादे करके जाते हैं, बहुत आसाम से निकल आकर पैसा देकर जाते हैं, आंचलिक पार्टी को पैसा देके जाते हैं, इलेक्शन के पहले बोलते हैं हम आपको देंगे, वादा करेंगे आंचलिक पार्टी, लेकिन अगरतला में बैठकर सब चुप। हमको भी यहां में हमारे लीडर है, गिरजी बाबू है, गोपाल बाबू है, मैं हूं, हमको भी ऑफर आया था, हम लोग नहीं गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी नुमती प्रसानो सिनिया खो, आप लोग समझ नहीं चके हमें। आने वाले दिन में आप देखिए क्या होने वाला है। एक नारा था चलो पलटाए, आने वाले दिन में और एक नारा होगा चलो चलो आपने चलो। हाँ, ये आवाज अगरतला पहुंचना चाहिए। अब आखिर में राहुल जी अरुणाचल, मणिपुर और अब त्रिपुरा आए हैं। राहुल गांधी का एक कमिटमेंट है, वो क्या कहते हैं, जब मैंने कमिटमेंट दे दिया तो मैं खुद का भी नहीं सोचता हूं। अब राहुल जी बोलेंगे और आप सुनिए, और जो वो बोलते हैं वो लिख कर डर के देते हैं, आप सुनिए। और यहां में जो हमारे इंडिजिनस किप्रासा हो, मग हो, हमारे जो मुसलमान भाई हो, एससी भाई हो, त्रिपुरा सबका है, हम एक होकर त्रिपुरा में राज करेंगे। चीनी सैकड़ा रॉक से नुमसाई मनो, चीनी सैकड़ा रॉक से चीनी भविष्य चुन के बड़ी तला तम दिया। और जो फॉरेस्ट बिल से हमारा जमीन ले जाना चाहते हैं, जो हमारा जमीन ले जाना चाहते हैं, मैं बीजेपी की सरकार को बोलना चाहता हूं, हम अपना एक इंच जमीन आपको नहीं देंगे। आप लोग आखिर में सुनिए, समझिए और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के आप अपना वोट उसको दीजिए जो झूठ में काम नहीं करता, जो अपना वोट बेचता नहीं है, जो देश के बारे पहले सोचता है, जो त्रिपुरा के बारे पहले सोचता है। यही मैं बोलकर मैं अपना भाषण रखता हूं। आप लोग अब राहुल जी के बारे सोचिए और उनके बारे